हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश कुकिंग। तो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए आलू का पराठा बनाने का इतना आसान सा तरीका कि इसको हर कोई बना ले, इसमें बनाने में कोई झंझट नहीं है। इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे से बने हैं पराठे हमारे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए लिए हैं हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी आटा ले लिया है गेहूँ का, उसमें डाल दिया है नमक और चिली फ्लेक्स लिए हैं साथ में, और उसमें जो पिज्जा सीजनिंग है वो भी डाल दी साथ में, थोड़ी सी रखी थी। तो 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया हमने यहाँ पे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। घोल इतना ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा, तो इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको एडजस्ट करेंगे, फिर बाद में इसमें पानी और ऐड करेंगे हम। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें, ज़्यादा पतला भी घोल नहीं चाहिए इसका, ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, तो इस हिसाब से रहेगा इसका बैटर, कुछ रनिंग टाइप से, जैसे तवे पे फैल जाए अच्छे से। तो इसमें बाद में थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी हमने, थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं इसमें। अब बैटर हमारा लगभग तैयार हो चुका है, इसको रख लेते हैं साइड में। अब चलिए बनाते हैं आलू का मसाला। एक ये लिया है प्याज हमने, एक यहाँ पे मीडियम साइज का, इसको कट कर लिया, फाइन चॉप कर लिया है, और आलू का भरता बना लिया, 3 से 4 आलू लिए तो इनको मैश कर लिए। अब एक तड़का बना लेते हैं आलू में डालने के लिए। इसमें लिया था जीरा, हींग ली थी, और लाल मिर्च पाउडर लिया था, धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है बनके। अब इनको रख लेते हैं साइड में। तो चलिए पराठा बनाने की तरफ चलते हैं। गैस पे तवा रख दिया, तवा हमारा गरम हो चुका है, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, तवा मीडियम गरम रहे तो इसको जो पेस्ट है इसको फैलाने में अच्छा रहेगा, नहीं तो छूटने लगेगा, तो इसलिए तवा हल्का मीडियम गर्म हो तभी डालें इसको बैटर को इसके तवे पे ऊपर। अब इसके ऊपर से आलू का मसाला स्टफ कर देते हैं। इतने आसान तरीके से बन जाते हैं ये पराठे, बनाने में कोई झंझट नहीं, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता आटे को, ना गूंथना पड़ता है, ना बेलना पड़ता है, और पराठा भी तैयार हो जाते हैं आलू के, बहुत ही लजीज से पराठे। तो ऊपर से भी इसी तरीके से बैटर को फैला लेते हैं अच्छे से, ऊपर पूरा कोट कर देंगे जो आलू मसाला लगाया उसको। फिर इसको हम पलट के सेंक लेंगे दोनों तरफ से, पलट के दोनों तरफ से अच्छे से इस पर बटर लगा के। अब देख लीजिए पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं, पराठा हमारा पलट चुका है, तो इसमें हम डालते हैं, लगाते हैं बटर थोड़ा सा। दूसरा भी पराठा हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। उतने आटे से 3 से 4 पराठे बन गए थे, और बहुत ही अच्छे पराठे बने थे, फूल भी गए थे और पक भी अच्छे से गए थे अंदर से। आप लोगों एक बार बनाइए ऐसे पराठे, फिर बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी, बना के एक बार ट्राई जरूर करिए, और फिर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी रेसिपी और कैसे लगे हमारे ये पराठे, टेस्ट कैसा लगा इनका, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो और जो बचा हुआ बैटर उसको भी इस पर फैला लेते हैं ऐसे, उस पर भी ये आलू की स्टफिंग लगा के पराठा हम बना लेते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से।
ये देख लीजिए, ये भी पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो आलू के पराठे बना रहे हैं तो बटर तो लगाना बनता ही है इसमें, तो बटर इसमें भी लगा दिया है। देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया, सुनहरा कलर, पराठा बहुत अच्छे से सिक चुका है। ऐसे सारे पराठे बना लिए हमने, पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इनको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। ऊपर से डाल दिया है बटर इसमें, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखते खाने का मन कर जाए, इतने अच्छे पराठे बने। अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ सभी लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।